हमारा अगला टॉपिक है सिस्टम या डायग्नोसिस ये मेंटेनेंस पर्पसेस के लिए उपयोग किए जाते हैं इसलिए इस की को मत दबाए क्योंकि पूरा सीएनसी सेटिंग यही पर होता है अगली की है कस्टम ग्राफ की यहाँ आप रनिंग प्रोग्राम को ग्राफिकली देख सकते हैं इसमें कुछ खास नहीं है बस आप देख सकते हैं कि टूल कैसे ग्राफिकली काम कर रहा है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जब आपकी सीएनसी कोई भी ऑपरेशन कर रही हो तो इसकी को दबाए अगली की है मैसेज की इस की की मदद से हम मैसेजेस देख सकते हैं अगर आपने कोई गलती की है तो सीएनसी आपको एक मैसेज के जरिए बताएगा उस मैसेज को देखने के लिए मैसेज की दबाए देखें कि आपने क्या गलती की है उसे ठीक करें और फिर रीसेट की दबाए चलो इसे एक्शन में देखते हैं यहां मैं एक गलती करने जा रहा हूं आप देख सकते हैं इस सिमुलेटर में मुझे इस तरह से मैसेज मिल रहा है लेकिन आपकी सी मशीन में आपको ये मैसेज यहाँ मिलेगा ठीक है बस इस समस्या को हल करें और रीसेट की दबाएं आगे बढ़ते हैं आ, हमारी अगली कीज़ है मोड सिलेक्शन कीज़ सी एन मशीन में कुछ मोड्स होते हैं और उन मोड्स को सिलेक्ट करने के लिए ये कीज उपयोग की जाती हैं इन मोड्स की मदद से हम विभिन्न ऑपरेशंस कर सकते हैं इन्हें एक एक करके समझते हैं हमारा पहला मोड है ऑटो मोड जब भी आप कोई प्रोग्राम शुरू या रन करना चाहते हैं तो आपकी मशीन को ऑटो मोड में होना चाहिए इसके बिना प्रोग्राम नहीं चलेगा और सी आपको मैसेज देगी इसलिए प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको ऑटो मोड चालू करना होगा अगला मोड है एडिट मोड जैसा कि आपको याद होगा जब हमने एक नया प्रोग्राम बनाया था तब हमने एडिट मोड को स्विच किया था नया प्रोग्राम बनाने के लिए आपको एडिट मोड सेलेक्ट करना होगा इस मोड में किए गए सभी चेंजेस सी मशीन में सेव हो जाते हैं यानी ये चेंजेस परमानेंट होते हैं इसलिए अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई एडिटिंग करते हैं तो वह आपकी सीएनसी मशीन में सेव हो जाती है अगला मोड है एम मैनुअल डेटा इनपुट अगर आप टेम्प्ररी चेंजेस करना चाहते हैं तो वह एम में किए जाते हैं आइए इसे वीडियो की मदद से देखें यह है एम मोड यहां मैं स्पिंडल को रोटेट करना चाहता हूं तो चलिए इसे एमओ थ्री कोड का उपयोग करके रोटेट करते हैं आ, हम इन कोड्स को बाद में कवर करेंगे लेकिन अभी के लिए बस देखें जैसे ही मैंने साइकिल स्टार्ट दबाया स्पिंडल रोटेट करने लगा और कोड गायब हो गया ये साबित करता है कि ये मोड टेम्पररी पर्पसेस के लिए है अगला मोड है रेफरेंस अगर आपको याद हो हमारे पहले टॉपिक में मैंने सीएनसी मशीन शुरू करते समय होमिंग का जिक्र किया था होमिंग या रेफरेंस टर्ट को उसकी रेफरेंस पोजिशन पर ले जाता है चलिए वीडियो की मदद से देखते हैं कि होमिंग कैसे किया जाता है यह हमारा टर्ट पहले मैं इस टर्ट को मूव करूंगा ताकि आप होमिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें ठीक है तो रेफरेंस की दबाएं फिर एक्स और जेड दबाएं और देखें कि हमारा टर्ट अपनी रेफरेंस पोजिशन पर कैसे मूव हो रहा है अगला मोड है जॉग मोड Uh, इस मोड या की को दबाने के बाद आप टर्ट को मूव या रोटेट कर सकते हैं आप पूछ सकते हैं कि हमें टर्ट को रोटेट करने की आवश्यकता क्यों है खैर, कई बार हमारा इंसर्ट डैमेज हो जाता है या वेयर आउट हो जाता है उस इंसर्ट को बदलने के लिए टूल आपके सामने होना चाहिए ताकि आप उसे आसानी से बदल सके टूल को आपके सामने लाने के लिए जॉग मोड को सिलेक्ट करें और फिर टर्ट की दबाएं ताकि टूल आपके सामने आ जाए और फिर इंसर्ट को बदले इस जॉग मोड का उपयोग टूल मूवमेंट के लिए भी किया जाता है चलिए इस जॉग मोड को वीडियो की मदद से देखते हैं पहले जॉग मोड सेलेक्ट करें और फिर मैं टूल को मूव करूंगा। देखें हमारा टूल मूव हो रहा है अगला मोड है हैंडल मोड टूल मूवमेंट हैंडल मोड में भी किया जा सकता है जहां हम टूल मूवमेंट की स्पीड को इन कीज को दबाकर कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप टूल को तेजी से मूव करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई दबाए स्लो मूवमेंट के लिए मल्टीप्लाई टेन या मल्टीप्लाई वन दबाए स्थिति के अनुसार सेटिंग मोड में हमें टूल को जॉब फेस से टच करना होता है इसलिए हम टूल मूवमेंट की स्पीड को उसी अनुसार एडजस्ट करते हैं उस समय हम इन कीज का उपयोग करते हैं आ, इस तरह से हमारा हैंडल दिखता है अगली कीज है प्रोग्राम कंट्रोल कीज ये कीज़ प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए उपयोग की जाती हैं। पहली की है एस बी के सिंगल ब्लॉक की अगर आप प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन या ब्लॉक बाय ब्लॉक रन करना चाहते हैं तो ये की उपयोग की जाती है मशीन पहली लाइन को पड़ेगी उसे रन करेगी फिर रुक जाएगी साइकिल स्टार्ट को फिर से दबाने के बाद मशीन दूसरी लाइन या ब्लॉक को पड़ेगी उसे रन करेगी और फिर रुक जाएगी आइए ऐसे वीडियो की मदद से देखें यहां मैंने सिंगल ब्लॉक मोड सेलेक्ट किया है देखें मशीन एक ब्लॉक के लिए रन करती है और फिर रुक जाती है साइकिल स्टार्ट के बाद यह एक लाइन पड़ती है उसे रन करती है और फिर रुक जाती है ये तब उपयोगी होता है जब आप एक नया जॉब डेवलप कर रहे है होते हैं क्योंकि उस स्थिति में आपको ये जानने की आवश्यकता होती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं या प्रोग्राम में कोई गलती है ताकि आप टूल कोलिजन या एक्सीडेंट से बच सकें जब भी आप कोई जॉब डेवलपमेंट कर रहे हो तो हमेशा सिंगल ब्लॉक मोड को सिलेक्ट करें अगली की है बी एल डी ब्लॉक डिलीट की अगर आप प्रोग्राम में किसी ब्लॉक या लाइन को स्किप करना चाहते हैं तो आप बी एल डी मोड का उपयोग कर सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर लाइन या ब्लॉक को नहीं चाहते हैं तो उस लाइन के पहले एक, एक स्लैश इंसर्ट करें और बी एल डी मोड सेलेक्ट करें आइए इसे वीडियो की मदद से डिटेल में देखें देखें, ये हमारी बी एल डी मोड की है आपको उस लाइन को स्किप करने के लिए उसके पहले एक स्लैश देना होगा देखें कि लाइन स्किप होती है या नहीं देखें, लाइन स्किप हो गई तो ये काम कर रहा है अगली की है जैसा कि हमने सिंगल ब्लॉक मोड में देखा मशीन हर लाइन या ब्लॉक के बाद रुकती है और ऑप्शनल स्टॉप मोड में मशीन किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद रुकती है उदाहरण के लिए प्रोग्राम में कई ऑपरेशन होते हैं जैसे रफिंग ड्रिलिंग फिनिशिंग ग्रूविंग आदि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन मशीन को रोकना चाहते हैं तो उस ऑपरेशन के बाद M01 कोड का उपयोग करें और फिर OPT मोड सेलेक्ट करें क्या आपको अंतर समझ में आ रहा है सिंगल ब्लॉक मोड में मशीन हर ब्लॉक के बाद रुकती है और ऑप्शनल स्टॉप मोड में मशीन किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद रुकती है आइए इसे वीडियो की मदद से देखें जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले ऑपरेशन के बाद एमजन कोड का उपयोग किया है और ऑप्शनल स्टॉप मोड सिलेक्ट किया है देखें हमारी मशीन रुक गई अब अगर मैं ओपीटी मोड को हटा दूं, तो देखें क्या होता है मशीन एमजन कोड के बाद भी चलती रहती है और दूसरा टूल अपनी ऑपरेशन शुरू कर देता है इसलिए हमें एम कोड के साथ ओपी मोड को सिलेक्ट करना होता है मशीन ऑपरेशन के बाद रुकेगी याद रखें कि आपको M01 कोड के साथ मोड को प्रेस करना है अगली की है ड्राई रन। बिना किसी कटिंग के मशीन को रन करने के लिए उपयोग की जाती है यह आपको कटिंग स्पीड को कंसिडर किए बिना टूल मूवमेंट को देखने की अनुमति देती है और सभी मूवमेंट्स तेज होते हैं इस मोड का उपयोग बहुत बार नहीं किया जाता है आप बस टूल मूवमेंट को बिना किसी मटेरियल के एक्चुअल कटिंग के देख सकते हैं अगली की है मशीन लॉक ये की मशीन या टूल मूवमेंट्स को लॉक करने के लिए उपयोग की जाती है यह भी अक्सर उपयोग नहीं की जाती है बस इस की को वीडियो में देख लें यहां मैंने मशीन लॉक मोड सेलेक्ट किया है जब मैं साइकिल स्टार्ट दबाता हूं देखें केवल स्पिंडल मूव कर रहा है बाकी सभी मूवमेंट्स लॉक हो गए हैं अगली कीज़ है एडिटिंग कीज़। कीज़ ये कीज प्रोग्राम लिखने और एडिटिंग करने के लिए उपयोग की जाती है पहली की है लिखे को में इंसर्ट एक्शन में, में देखते हैं यहां मैं एक लाइन या कोड लिखूंगा और जब मैं इंसर्ट की दबाऊंगा देखे हमारा कोड सी सी मशीन में लिख दिया गया है ये इंसर्ट की का उपयोग करते हैं चलिए इसे वीडियो में देखते हैं यहां अगर मैं जी जीरो वन कोड को जी जीरो जीरो से ऑल्टर करना चाहता हूं देखें मैं इसे कैसे करता हूं पहले कोड सेलेक्ट करें फिर ऑल्टर करने के लिए कोड लिखें और फिर ऑल्टर दबाएं। इसी तरह हम ऑल्टर करते हैं अगली की है शिफ्ट की जैसा कि आप देख सकते हैं एक सिंगल की पर दो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं अगर आप उस की का दूसरा अल्फाबेट प्रिंट करना चाहते हैं तो शिफ्ट की का उपयोग करें और फिर उस की को दबाएं अब चलिए इसे वीडियो की मदद से देखते हैं देखें कैसे मैं शिफ्ट की मदद से यू और डब्ल्यू सेलेक्ट करता हूं पहले शिफ्ट की दबाएं और फिर यू दबाएं डब्ल्यू के लिए भी यही करें फैनक में आपको सिर्फ एक बार शिफ्ट की दबाने की जरूरत होती है और फिर आप किसी भी की को दबा सकते हैं लेकिन सीमेंस में आपको की को प्रेस और होल्ड करना होता है और फिर उस दूसरी की को दबाना होता है जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं ये इन दो कंट्रोल पैनल्स के बीच थोड़ा अंतर है ठीक है फैनक में आपको सिर्फ एक बार शिफ्ट की दबानी होती है और सीमेंस में आपको शिफ्ट की को प्रेस और होल्ड करना होता है आगे बढ़ते हुए हमारी अगली की है कैंसिल की अगर हम प्रोग्राम लिखते समय कोई गलती करते हैं और उस कोड को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैंसिल की का उपयोग करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं डिलीट की का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी ऐसे कोड को डिलीट करना चाहते हैं जो पहले से लिखा हुआ है या या इंसर्ट किया गया है और कैंसिल की का उपयोग तब किया जाता है जब हम प्रोग्राम लिखते समय कोड को डिलीट करना चाहते हैं जो अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ है ठीक है चलिए इसे वीडियो की मदद से देखते हैं यहां मैं प्रोग्राम लिखते समय एक गलती करूंगा और उस गलती को डिलीट करने के लिए मैं कैंसिल की का उपयोग करूंगा ठीक है अगर आप लिखते समय गलती करते हैं तो कैंसिल की का उपयोग करें और अगर आप किसी कोड को डिलीट करना चाहते हैं जो पहले से इंसर्ट हो चुका है तो डिलीट की का उपयोग करें अगली की है इनपुट की इस की का उपयोग ऑफसेट्स देने के लिए किया जाता है हम इस की को ऑफसेट टॉपिक में कवर करेंगे चलो एक त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं कि हमने क्या सीखा ये अल्फाबेट्स है और ये नंबर्स है यहां हमारे पास ई ओ बी एंड ब्लॉक की है जो ब्लॉक को समाप्त करने के लिए उपयोग की जाती है जब आप इस की को किसी भी खोड के बाद दबाते हैं तो मशीन समझ जाती है कि ब्लॉक यहाँ समाप्त हुआ है इसके बाद हमने पोजिशन की के बारे में सीखा जिसका उपयोग टूल की पोजिशन को देखने के लिए किया जाता है प्रोग्राम की प्रोग्राम्स को देखने के लिए और ऑफसेट की ऑफसेट्स देने के लिए हमारे पास तीन प्रकार के ऑफसेट्स हैं वेयर जियोमेट्री और वर्क ऑफसेट फिर हमने शिफ्ट की देखा जिसका उपयोग की पर दूसरा अल्फाबेट सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है की, जिसका उपयोग लिखते समय किसी कोड को कैंसिल करने के लिए किया जाता है इनपुट की जिसका उपयोग ऑफ सेट्स देने के लिए किया जाता है हम इसके बारे में बाद में और सीखेंगे सिस्टम की जिसका उपयोग मेंटेनेंस परप के लिए किया जाता है मैसेज की मैसेजेस को देखने के लिए कस्टम ग्राफ की रनिंग प्रोग्राम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखने के लिए ऑल्टर की किसी भी कोड को नए कोड से ऑल्टर करने के लिए इंसर्ट की सी एन सी में कोड इंसर्ट करने के लिए और डिलीट की इंसर्ट किए गए कोड को डिलीट करने के लिए इसके अलावा पेज अप और पेज डाउन कीज है जो कर्सर को अप डाउन राइट लेफ्ट मूव करने के लिए उपयोग की जाती है यह है हेल्प की जो मदद पाने के लिए उपयोग की जाती है और रीसेट की मशीन को इमरजेंसी में रोकने और प्रोग्राम को रिस्टार्ट करने के लिए ठीक है तो चलिए देखते हैं कि हमारे मेन पैनल में क्या है हमारे पास ऑटो मोड है ये कोड है जिसे हमें प्रोग्राम शुरू करने के लिए सेलेक्ट करना होता है एडिट की प्रोग्राम को एडिट करने और नया प्रोग्राम लिखने के लिए उपयोग की जाती है और इस मोड में किए गए चेंजेस परमानेंट होते हैं अगला है एम डी आई टेम्पररी चेंजेस के लिए अगर आप स्पिंडल को थोड़े समय के लिए रोटेट करना चाहते हैं तो इस की का उपयोग करें रिमोट की पुराने सी मशीन्स में होता था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है इस की का उपयोग मशीन को रिमोट से कंट्रोल करने के लिए किया जाता था अगली की है रेफरेंस जिसका उपयोग थरटट या टूल को होमिंग के लिए किया जाता है जॉग मोड का उपयोग थर को रोटेट करने और टूल को मूव करने के लिए किया जाता है हैंडल और इन सी दोनों का उपयोग टूल मूवमेंट के लिए किया जाता है लेकिन अब आई एन सी को हटा दिया गया है ये टूल मूवमेंट्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होते हैं मल्टीप्लाई बाय इन तेज टूल मूवमेंट के लिए और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड टेन या वन स्लो मूवमेंट के लिए स्थिति के अनुसार ये टूल मूवमेंट्स के लिए होते हैं सिंगल ब्लॉक की का उपयोग मशीन को ब्लॉक बाय ब्लॉक रन करने के लिए किया जाता है ब्लॉक्स के ओपियो स्लैश का करके ब्लॉक को स्किप करने के लिए किया जाता है वो मशीन को किसी भी ऑपरेशन के बाद रोकता है रीस्टार्ट रीसेट किसमान है मशीन लॉक टूल मूवमेंट को लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता है ड्राई रन मटेरियल के किसी भी एक्चुअल कटिंग के बिना मशीन को रन करने के लिए उपयोग किया जाता है अलार्म मैसेज अलार्म्स को देखने के लिए उपयोग किया जाता है जब हम प्रोग्राम में टूल को कोई फीड देते हैं तो वह फीड हट परसेंट होता है अगर हम उसे कम करना चाहते हैं तो हम इसे फिफ्टी परसेंट या ट्वेंटी फाइव परसेंट तक कम कर सकते हैं जैसे जरूरत हो यह है साइक स्टॉप साइकिल को रोकने के लिए साइकिल स्टार्ट और प्रोग्राम स्टॉप प्रोग्राम को रोकने के लिए कूलेंट ऑफ uh, जैसा कि हम जानते हैं हमने एम डी आई में एम जीरो के साथ स्पिंडल को रोटेट किया था तो हम इन कीज के साथ भी स्पिंडल को रोटेट कर सकते हैं तो यहां हमने पूरे कंट्रोल पैनल को वीडियो की मदद से भी देखा है मुझे उम्मीद है कि आप सभी कीज और उनके उपयोग को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे ये ऑपरेटिंग पर्पसेस के लिए बहुत उपयोगी है अब हमने अपना तीसरा टॉपिक पूरा कर लिया है